बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू पिक अ राइट लाइफ पार्टनर, कि हमें अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, हमें कैसे जो है वो पता चलेगा कि ये जो पार्टनर है यही हमारा राइट लाइफ पार्टनर है। इसके लिए मैंने छोटे से तीन एनालिसिस रखे हैं। फर्स्ट इज़ अ सेल्फ एनालिसिस एंड द सेकंड वन इज़ अ फैमिली एनालिसिस एंड द थर्ड वन इज़ सोशल एनालिसिस। ये तीन एनालिसिस होंगे जो करने के बाद आप काफ़ी हद तक नियर अबाउट जो है वो अपना लाइफ पार्टनर, जो राइट लाइफ पार्टनर है वो आपको मिल सकता है। नॉर्मली एक सवाल अक्सर किया जाता है कि क्या शादी करने से हम एंजाइटी और डिप्रेशन से निकलकर बाहर आ जाएंगे? जी हाँ, आ जाएंगे। राइट लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी बना सकता है और रॉन्ग लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बड़ी रिसर्च देखी है, इवन खुद अपनी आँखों से देखा है लोगों को, कि लोग वक्त से पहले बूढ़े हो गए। उनकी ज़िंदगी में जब मैंने जान कर देखा तो सिर्फ परेशानियां थी, लाइफ पार्टनर उनको समझ नहीं पा रहा था। बाहर तो इंसान के दर्जनों परेशानियां होती हैं, लेकिन जब वो घर जाए तो एक ऐसा घर जाए कि एक पार्टनर उसके पास और कहे छोड़ गम दुनिया के, आजा मेरे पास। वो पार्टनर जो होता है वो आपकी ज़िंदगी बना देता है। और अगर आप बाहर से भी दुख में जाएँ और घर में भी दुख में आएँ तो फिर दुख दुख हर तरफ दुख। ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी पर्सनल मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, वो लोग किसी भी फील्ड में कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते। हमारे इधर बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि हमने पता नहीं सोच लिया कि शादी हमारी चॉइस है, कि जी जब दिल चाहा कर ली। ये बड़ी गलत चीज़ है, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल है और इसमें सबसे अनमोल चीज़ जो है वो आपका लाइफ पार्टनर है। मैंने खुद देखा है, इवन मैं खुद शादी के बाद बहुत सीवियर डिप्रेशन और एंजाइटी में रहा। तो शादी में जो आपका लाइफ पार्टनर है उसका आपके साथ अंडरस्टैंडिंग होनी बड़ी ज़रूरत है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। बेसिकली मैंने जो है मैं रिश्ता सर्विसेज पे भी काम कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली अभी हम उस लेवल पर नहीं हैं कि हम उसको जो है वो लॉन्च कर सकें, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून मेरा होगा। कि बेसिकली रिश्ता मैं क्यों करवाना चाह रहा हूँ या रिश्ता सर्विसेज मैं क्यों शुरू करना चाह रहा हूँ, इसके पीछे रीजंस हैं। नंबर एक रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लोगों को देखा है कि उनको उनकी मर्ज़ी का लाइफ पार्टनर नहीं मिला हुआ। मर्द एक औरत के साथ ही है और वो औरत उस पर सुबह शाम जुल्म कर रही है और वो बंदा बेचारा जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, और उस बर्दाश्त में दर हकीकत उसकी भस हो गई हुई है, लेकिन वो कोई स्टेप नहीं ले पा रहा। मैंने बाज जगहों पर, बड़ी जगहों पर देखा है, औरतें बेचारी पिस रही हैं, बस इसलिए तलाक नहीं ले रही कि माशरे में तलाक लूँगी तो उसके बाद मैं ज़िंदगी कैसे जीऊँगी, खुला लेने के बाद मेरी ज़िंदगी क्या होगी, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मुझे कौन संभालेगा। सो मेरे इस ख्वाब में मुझे आपका साथ चाहिए होगा। ऑब्वियसली ये सर्विसेज फ्री तो नहीं हो पाएंगी क्योंकि ये प्रॉपर एक टाइम टेकिंग काम है। तो हम इंशाल्लाह एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे कि जिसमें मैं खुद उस बंदे की ज़ात को एनालिसिस करूंगा और उसको उसकी मर्ज़ी का पार्टनर दूंगा, उसको उसकी मेंटालिटी का पार्टनर दूंगा। अभी मैं अगर आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं तो यू विल बी अमेज। अभी आज से 10 महीने पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ 10+ रिश्ते करवा दिए अभी तक। अब ये ना कहिएगा कि हमारा भी रिश्ता करवा दें, अभी ये सर्विसेज पाइपलाइन में है। जब इंशाल्लाह होगी तो फिर आपको बता दिया जाएगा, फिर आप उधर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अभी तकरीबन 10 महीने पहले मुझे एक लड़की ने कांटेक्ट किया और उसने अपनी सारी स्टोरी सुनाई, फिर उसने अपने एक कज़न की स्टोरी सुनाई, और उसने जब अपने कज़न की स्टोरी सुनाई तो उसने बताया कि सर मेरा एक कज़न है, उसकी शादी को तकरीबन 15 साल हो गए हैं और वो ऑलमोस्ट 38 ईयर्स का है। 38 ईयर्स में उस बंदे के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं और वो बड़ा चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से में रहता है, हर टाइम लड़ता रहता है। बेगम उसकी सीधे मुँह बात नहीं करती, उससे दोनों की लड़ाई झगड़े होते हैं, और वो चूँकि फाइनेंशियली तौर पर वो बंदा स्ट्रांग है तो इसलिए वो घर ही रहता है, कहीं वो आता जाता नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से तंग है। पूरे ख़ानदान में सिर्फ वो एक बंदा है जो मुझसे बात कर लेता है, मुझसे इसलिए बात कर लेता है कि मैं तो हालांकि एज में भी उससे छोटी हूँ, लेकिन हमारे और उसके कोई फैमिली टर्म्स ऐसे हैं, उसके हमारे ख़ानदान पर बहुत एहसान है, हमारी फैमिली पर उसके बहुत एहसान है, तो मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने उस लड़की से पूरा उसका माइंड पढ़ा और ये लड़की बेचारी जो थी इसको भी सहारे की ज़रूरत थी, आल्दो कि इसकी एज में और उसकी एज में आधो आध का फ़र्क था, लेकिन मैंने कहा कि आप मैक्सिमम उस लड़के के लिए क्या कर सकती हैं। इसने फिर मुझे कहा कि सर जो आप कहें। मैंने उस लड़के को देखा, उसकी एनालिसिस किए और इसके एनालिसिस किए। मैंने इसे कहा कि आप
को अगर मैं कहूँ आप उस लड़के से शादी कर लें तो आप करने के लिए रजामंद हो जाएंगी, तो इन्होंने अपनी तरफ से मतलब हाँ ना में ही बात कही। तो मैंने जब उस लड़के से पूछा, उस लड़के ने कहा कि ठीक है मैं कर लूँगा, मुझे ज़रूरत भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से 10 महीने पहले उनका रिश्ता हुआ और वो लड़का अब लिटरली अपनी लाइफ इतनी खुशी से जी रहा है। देखो ज़िंदगी में ना जब आपको आपकी मर्ज़ी का पार्टनर नहीं मिलता ना, आप ख़त्म हो जाते हो अंदर से, लिटरली ख़त्म हो जाते हो यार। बड़ा मुश्किल है, ये लोग हैं वही बस बातें ही बनी है कि सब्र करें सब्र करें, और सर नहीं होता भाई, सब्र सब्र हो ही नहीं पाता इंसान से। ये गाड़ी का वो पहिया जो दोनों तरफ से चलता है। हम आज के दौर के लोग उतने ईमान के स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने पहले लोग थे, अब हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इंसान को दे रखा है, जब उसकी बीवी उसको नहीं खुशियां दे पा रही तो दूसरी बीवी कर ले, वो खाम खा हराम का रिश्ता ज़रूर उसने बनाना है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि यार जो लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है वो हलाल रिश्ते की तरफ जाएँ, वो हलाल रिश्ते को आबाद करें, ना कि हराम रिश्ते को आबाद करें। माशरे में हराम के आपको ज़्यादा रिश्ते की तरफ जाते हुए लोग नज़र आएंगे। तो लाइफ पार्टनर अगर मर्ज़ी का नहीं मिलता इंसान को तो इंसान हराम रिश्ते की तरफ निकल पड़ता है। मैंने बड़ी ऐसी लड़कियां देखी जो बड़ी शरीफ थी, बड़े ऐसे लड़के देखे जो बड़े शरीफ थे, बाद में गलत रास्ते पे चल निकले। जी हमें हमारी मर्ज़ी का लाइफ पार्टनर नहीं मिला। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ ठीक है तो 90% चांस है कि आप किसी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, 90% चांस है कि आपको किसी गलत इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी सही इंसान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी शेयरिंग केयरिंग एवरीथिंग उसी इंसान में फाइंड आउट करोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा सो वाई यू चूज़ रॉन्ग वे, आपके पास एक राइट वे है। अल्लाह ताला ने मर्द को एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त दे रखी है और औरत के पास भी हक है कि वो अपने इस हक को इस्तेमाल करे कि अगर एक इंसान मेरे साथ ठीक नहीं है तो मैं उसको छोड़ सकती हूँ। माशरे ने इतना मुश्किल बना दिया है कि वो बेचारी उसको नहीं छोड़ती और खाम खा उसको जो है वो मिल जाते हैं कि तुम बॉयफ्रेंड बना लो, तुम कोई रिश्ता बाहर कायम कर लो। तो इसी आइडियोलॉजी की हमने मुखालफत करनी है, हमने इसके अगेंस्ट चलना है। निकाह को आसान बनाना है और जना को इतना मुश्किल बना देना है कि लोग जना करने से पहले 1001 दफ़ा सोचें। और मैं लिटरली लड़कियों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि जो मेरी आइडियोलॉजी पे चल रही हैं, जो सच में इस्लामिक तालीमात को फॉलो कर रही हैं। आल्दो कि आई एम नॉट अ गुड मुस्लिम, मैं उस तरह का कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। मुझे लिटरली बहुत सी लड़कियां कॉल्स करती हैं और कहती हैं कि सर आप ठीक कहते हैं कि मर्द को एक से ज़्यादा शादी करनी चाहिए, हमारी शादियां नहीं हो पा रही क्योंकि हमें कवारे लड़के नहीं मिल पा रहे। तो हमें अगर कोई तलाक़ याफ्ता मिलता है, कोई बेवा मिलता है, कोई इस तरह का मिलता है जिसकी वाइफ फौत हो गई है या जिसकी वाइफ हयात भी है, अगर वो इंसाफ कर सकता है तो वी आर रेडी। नॉर्मली मैंने देखा कि पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा जो होते हैं, हमारे इधर क्या लड़कियों के माँ बाप करते हैं, लड़की के माँ बाप की कोशिश होती है कि बहुत अमीर ख़ानदान का लड़का मिले, और कुछ लड़कियों की भी ये सोच होती है। लेकिन लड़कियों में मैंने जहाँ तक रिसर्च किया लड़कियों की कम होती है और उनकी फैमिली की ज़्यादा ये सोच होती है, और लड़कों की ये होती है सॉरी टू से लड़के ज़रा ना खूबसूरत लड़की की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और बाद में यही लोग ना 2-3 साल बाद फिर रोते हुए सोच रहे होते हैं काश हमें हमारी मर्ज़ी का लाइफ पार्टनर मिल जाता, काश हमें खूबसूरत ना मिलता खूबसूरत मिल जाता। फिर ये लोग सीरत के पीछे भागते हैं, पहले ये सूरत के पीछे भाग रहे थे। तो कितना ही अच्छा हो कि हम सूरत और सीरत दोनों को देख लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना भी मिले, थोड़ा सा खूबसूरत हो और सीरत का बहुत अच्छा हो। देखें मार्केट में जब जो लड़की हीरोइन या कोई इस तरह की लड़की जिसका किरदार अच्छा नहीं होता, वो जितनी भी खूबसूरत हो, शरीफ इंसान शरीफुल नफ्स इंसान कभी भी उससे जल्दी शादी नहीं करता, बशर्त ये कि जब तक वो तौबा का रास्ता ना इख्तियार करे। और घर में पड़ी लड़की जो भले जो इतनी मेकअप ना करती हो, जो इतनी साफ सुथरे अपनी सफाई का या अपने फेस वगैरह का इतना ख्याल ना रखती हो और वो बाहया हो, बा किरदार हो, बा पर्दा हो, वो उस लड़की से कई गुना अच्छी होती है, वो उस लड़की से उसकी वैल्यू कई गुना ज़्यादा होती है। तो मेन चीज़ होती है आपकी सीरत, और सीरत दोनों तरफ से नहीं आजकल देखी जा रही, जिसकी वजह से तो माशरे में तलाक की रेशो बेपनाह बढ़ती जा रही है। तो छोटे से एनालिसिस हैं 3। पहला एनालिसिस है सेल्फ एनालिसिस। अच्छा सेल्फ एनालिसिस में मैंने क्या रखा है, सेल्फ एनालिसिस जो है ना ये बड़ा ज़रूरी है, और कुरान मजीद में भी ये चीज़ है कि जिस तरह का मर्द उस तरह की औरत,
मर्द और औरत का एक जैसा होना बड़ा ज़रूरी है। देखें, अगर आप एक शरीफ इंसान की शादी एक बदकार औरत से कर देंगे ना, वो बेचारा सारी ज़िंदगी रोता रहेगा, जलता रहेगा, दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। अगर एक बदकार औरत होगी और दूसरा बदकार मर्द है तो दोनों बड़े खुश हैं, दोनों बड़े खुश हैं, लेकिन एक शरीफ है दूसरा बदकार है, और दूसरा बदकार है तो एक शरीफ है, तो दोनों के लिए ज़िंदगी बड़ी अजाब होगी। सेल्फ एनालिसिस में ये एनालिसिस पेरेंट्स को करना पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट होकर। पहली चीज़ देखें, अपने बेटे को बेटी को देखें कि वो खुद कैसा है। माँ बाप से बड़ा आईना कोई नहीं होता औलाद के लिए। पहली चीज़ देखें कि वो शरीफ है या बदमाश है। शरीफ है तो उसकी शादी किसी शरीफ लड़की के साथ, बदमाश है तो उसकी शादी फिर किसी बदमाश लड़की के साथ करें। अगर वो जानी है तो उसकी शादी किसी जानिया के साथ ही करें। क्या होगा, क्या मिलेगा आपको? खुद भी आप अपनी आखिरत भी ख़राब करेंगे और उस लड़के की भी आखिरत ख़राब होगी और उस लड़की की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी जो बेचारी जानिया नहीं होगी। और ये जानी होगा तो इसको हर रात नया खून चाहिए होगा, ये हर रात नई लड़की की तलाश में होगा। वो बेचारी वहाँ रो रो के ज़िंदगी गुजारेगी, वो बेचारी वहाँ किलस किलस के ज़िंदगी गुजारेगी, सिसक सिसक के ज़िंदगी गुजारेगी। उसका कौन होगा? उसकी आहें भी आपको लगेंगी, उसकी बददुआएं भी आपको लगेगी। सो बेटर इज़ दिस, जैसा आपका खुद बच्चा है वैसा ही आगे आपको ला कर दें। और अगर आपकी बच्ची जानिया है और आप समझती हैं जी कि इसको कोई शरीफ लड़का मिल गया, मैंने बहुत कम देखा है लड़कियों को एक दफ़ा बर्बाद होकर फिर वापसी का रास्ता इख्तियार करते हुए, लेकिन अगर कोई औरत वापसी का रास्ता इख्तियार करती है तो ये माशरा जल्दी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन मैंने तो बनी इसराइल में ऐसी औरत का किस्सा भी पढ़ा है कि जो बनी इसराइल के जानिया थी, बहुत बड़ी जानिया थी, लेकिन अल्लाह के हाँ उसने तौबा की, फिर अल्लाह ताला ने उसे सात वलियों की माँ बनाया। तो औरत के लिए ये स्टेप बड़ा मुश्किल होता है, औरत के लिए जाना भी बड़ा मुश्किल होता है और आना भी बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल काम होता है ये औरत के लिए। औरत इसलिए हया का पैकर कही गई है। अब आपकी बेटी जानी है और आप किसी शरीफ मर्द के साथ उसको ब्याह दो, वो बेचारा अंदर ही अंदर सिसक सिसक के मरता रहे, जब ये फ़ोन कॉल्स करे, जब ये डेटे मारे, आपके कह के, आपके घर का कह के किसी और के साथ निकल जाए, वो बेचारा तो अंदर ही अंदर जल जल के मर जाएगा ना जी। उसको बाद में समझ आ जाएगी जी, बाद में अकल आ जाएगी। बाद में कहाँ से अकल आएगी? जिसको पहले नहीं अकल उसको बाद में अकल आ जाएगी? जब आपने उसको अकल नहीं सिखाई तो कोई और उसको अकल सिखा देगा? माँ बाप से ज़्यादा औलाद के करीब कौन सा होता है? तो खुदा के लिए ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें। ज़िद्दी इंसान, कभी ज़िद्दी इंसान का इंतखाब ना करें। अगर आप ज़िद्दी हैं तो आपको भी फिर ज़िद्दी इंसान का इंतखाब करना चाहिए। आप अगर ज़िद्दी नहीं हैं और आपने किसी ज़िद्दी से शादी कर ली तो सर आप माफ़ियाँ भी मांगते रहेंगे ना तो वो आपको माफ़ नहीं करेगा। कितना अच्छा हो दोनों ज़िद्दी हों, दोनों ज़िद्दी हों और इस किसी बात पे ज़िद्द लगी हो, वो भी ज़िद्द लगा रहा है, ये भी ज़िद्द लगा रही है, लगाओ ज़िद्द जहाँ तक होता लगाओ। लेकिन एक ज़िद्दी है, दूसरा बेचारा आ रहा है, पाँव पकड़ रहा है, माफ़ियाँ मांग रहा है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नहीं है। तुम्हें मर के ऊपर हिसाब नहीं देना, तुम जो ज़िद्द में अना में अकड़ गए हो कि अकड़ गया हूँ मैं, बस अकड़ गया हूँ। ओ भाई, आज ऐसे अकड़े हुए मर्दों की वजह से, औरतों की वजह से कितने बेचारे लोग हैं जो सेंसिटिव हैं, जो सिसक सिसक के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछने वाला, उनको कोई नहीं। माँ बाप से कहो जी सब्र करें आप, बहन भाइयों से जी सब्र करें आप। सब्र करने वाले का दर्जा बहुत बड़ा है, यकीनन सब्र करने वाले का दर्जा बहुत बड़ा है, लेकिन उस बंदे का क्या जिसकी सब्र की बस हो गई और वह गलत रास्ते पर चलने को है? उस बंदे का कौन जवाब दे होगा? उस बंदे को कौन देखेगा फिर? तो फिर सब्र भी एक हद होती है। जब नहीं होता सब्र, नहीं होती बर्दाश्त, तो फिर इंसान गलत की जाने के बजाय उसी में सही तलाश ले। एक चीज़, सेंसिटिव बंदे को हमेशा सेंसिटिव बंदे का इंतखाब करना चाहिए। यार जब आप सेंसिटिव होते हो ना, ज़रा ज़रा बात पे आपको, आपकी सोच का लेवल क्या होता है? नॉर्मली हम लोग यही तो कंप्लेन करते हैं कि यार हमारा पार्टनर नहीं हमें समझ पाता क्योंकि हम सेंसिटिव हैं, हमारा वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, लॉजिकली विजनरी हम उससे अलग हैं और वो अलग है। कितना उसे नहीं पता चलता। फ़र्ज़ करें आपकी और उसकी रात को लड़ाई हो गई और वो बात भी भूल गया। पहली चीज़ ये कि उसने आपसे माफ़ी मांग ली, गलती भी आपकी थी लेकिन फिर भी उसने आपसे माफ़ी मांग ली। उसने कहा चलो ठीक है, हालांकि रात पूरी वो सोएगा नहीं सेंसिटिव इंसान, चले जैसे तैसे करके वो सो गया। फिर सुबह हुई, उसने आपकी तरफ मुस्कुरा के देखा और आप आगे जो ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है, और वो बेचारा ऑफिस जाने के लिए आपको कह रहा है कि मुझे दुआ दो मैंने ऑफिस जाना है, और आप रात को तुमने ठीक नहीं किया, ठीक है, वो बेचारा माफ़ी मांग के फिर निकला, अच्छा माफ़ कर दो, गाड़ी चला रहा है, फिर ऑफिस आया है, फिर आपको कॉल कर रहा है, आप पिक ही नहीं कर रहे जल्दी,
मैं भूली नहीं रात वाली बात, तुम ठीक नहीं करते मेरे साथ। चले जी, उसने कहा अच्छा फिर मुझे माफ़ कर दो। अब वो बेचारा काम तो कर रहा होगा लेकिन वो काम नहीं कर रहा होगा, उसके हाथ पांव ठंडे हो गए, उसका जेन कहीं और ही चल रहा होगा, वो पता नहीं अपने अंदर किस जंग में लड़ रहा होगा, किस जंग में वो होगा वो आपको अंदाज़ा नहीं होगा। आपको सिर्फ यही है कि रात को इसने अच्छा नहीं किया। ओए पहली तो चीज़ ये कि तुम जैसों के साथ ना आखिरत में देखना होना क्या, कि तुम लोग एक गलती भी खुद है और दूसरे बंदे पे डाल रहे हो, दूसरे बंदे को ब्लेम कर रहे हो कि तुमने गलत किया। तो सेंसिटिव इंसान को ना सेंसिटिव इंसान ही समझ सकता है। ये गलती, ये हमाकत कभी ना करें कि आप एक सेंसिटिव बेटी को एक ऐसे इंसान के पास दे दें जो उसके इमोशंस ना समझ सके, जो उसकी फीलिंग्स ना समझ सके। आपने बड़े ऐसे लोग देखे होंगे जवानी में बूढ़े हो जाते हैं, मैंने बड़े ऐसे लोग देखे हैं जवानी में बूढ़े हो जाते हैं, इवन मेरी खुद एग्जाम्पल है, जवानी में बूढ़े हो जाते हैं हम लोग, कि जब समझ नहीं पाता हमें हमारा पार्टनर, जब हमारा जो साथ होता है वो हम समझ नहीं पाते। अब रिश्ते तोड़ नहीं सकते हम लोग, रिश्ते तोड़ नहीं सकते। सेंसिटिव बंदे की सबसे बड़ी खसलत ही यही है कि यार ये रिश्ता नहीं तोड़ सकता, ये किसी को छोड़ नहीं सकता, कोई इसे छोड़ भी जाए ये नहीं उसे छोड़ पाता। बड़े खालिस और मुखलिस लोग होते हैं। सबसे बड़ी चीज़, इंसान का हलाल हराम में तमीज़ होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको हलाल हराम में तमीज़ है और आपके पार्टनर को नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। ये चीज़ें भी, यहाँ भी चीज़ें बड़ी मुश्किल होंगी यार। ये वो एनालिसिस है सेल्फ एनालिसिस में, ये टू बी ऑनेस्ट होके करने वाले हैं। माँ बाप को ना ये चश्मा उतारना पड़ेगा दौलत का, माँ बाप को ये चश्मा उतारना पड़ेगा खूबसूरती का। अब थोड़ी सी सीरत की बात होनी चाहिए, थोड़ी सी करेक्टराइजेशन की बात होनी चाहिए, करेक्टर्स की बात होनी चाहिए कि ये बंदा करेक्टर वाइज कैसा है। अब औलाद की खुशियों की बात होनी चाहिए। अगर तो आप कर लेंगे तो ठीक है जी, भुगते फिर आप ना रोइएगा, फिर उसे किसी साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी लाइफ कोच के पास, किसी माइंड ट्रेनर के पास ले लेके ना घूमिएगा जी मुझे समझ नहीं आती मेरी बेटी को क्या हुआ, इसे बचा लें डॉक्टर साहब इसे बचा लें। जब आपने नहीं बचाया तो वो कैसे बेचारा बचा सकता है। खुदा की कसम मैंने लोगों को देखा है, जिंदा तो हैं पर जिंदा नहीं है, नहीं है जिंदा। जिंदगी की 1% अंदर उम्मीद नहीं है पर जिंदा लाशें बने हुए, ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं कौन सा गम है जो अंदर ही छुपा रहे हैं। ऐसे लोग हैं हम जो जिंदगी बिता रहे हैं। तो प्लीज़ सोच समझ के फैसले करें। आपका एक फैसला आपकी औलाद की ज़िंदगी बना भी सकता है, मिटा भी सकता है। तो ज़िंदगी बनाने का किरदार अदा करें, मिटाने का नहीं। ये काम दूसरों पे छोड़ दें, वो बड़ी खूबी से ये काम कर लेंगे, आप अपना काम करें। अब सेल्फ एनालिसिस के बाद आपका फैमिली एनालिसिस होना बड़ा ज़रूरी है कि आपको फैमिली, जिस फैमिली में आप जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम रिश्ता तय कर रहे होते हैं तो दोनों पार्टीज़ जो होती हैं ना वो अपना बेस्ट दिखा रहे होते हैं और इस बेस्ट को ही हम देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो यही होती हैं कि बेस्ट ही दोनों तरफ से हो। लेकिन इसमें जो सबसे बुरी चीज़ हमारी तरफ से हो रही होती है वो उस बॉटम लाइन को नहीं हम देख पा रहे होते, हम उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे होते जो आगे जाके हमारे लिए मसले क्रिएट करते हैं। आज के दौर का सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है, बहू जो है वो अपनी सास के बहुत खिलाफ है, ठीक है, सॉरी टू से, लेकिन ये रियलिटीज़ हैं, ये रियल फैक्टर्स हैं। लड़की की ये कोशिश होती है कि मैं अपने शोहर को लूँ और अलग हो जाऊँ, ये एक केस हो गया। दूसरे केस में ये होता है कि औरत का ये होता है कि ये जो शोहर है जिसके साथ मैंने शादी की है ये मेरे लिए उतनी इज्जत, उतनी रिस्पेक्ट, उतनी केयर अपनी फैमिली से नहीं इकट्ठी कर पा रहा जितने के लिए मैं डिज़र्व करती हूँ। आप जब फैमिली एनालिसिस करेंगे ये चीज़ आपको बड़ी क्लियर हो जाएगी। फ़र्ज़ करें अगर आप देखें तो किसी की वालदा ने ऐसा किया कि उसने एक मर्द को अपनी सारी उसकी फैमिली से अलग करके अलग हो गई, वो सेपरेट हो गई, उसने अपनी जो है वो अलग ही एक जो है वो बिल्डिंग क्रिएट कर ली। अब ये जो औरत है ना तो अपने शोहर के माँ से मिलने देती है अपने शोहर को, ना तो अपने शोहर को उसके बहन भाइयों से मिलने देती है। तो फिर याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम 90% से ज़्यादा केसेस में वही होता है, जैसी कोको वैसी मैं। तो क्या होगा कि अगर वो लड़की ऐसी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही चाहेगी कि वो भी यही करे।
वो भी आपको कोशिश करेगी कि आपके बहन भाइयों से, आपके माँ बाप से दूर कर दे, जिस तरह उसकी माँ ने किया, जिस तरह उसने देखा। हमारा माइंड है ना, जो चीज़ें देखता है उन्हीं चीज़ों से सीखता है। तो ये बड़ा जो है वो एक की रोल अदा करती है माँ की तरफ से। तो आप जब रिश्ता करें तो इस चीज़ को देख लें, और अगर आप ऐसे नहीं हैं कि आप अपने माँ बाप को छोड़ें तो फिर बड़ा मसला क्रिएट करेगी। दूसरी चीज़, जो लड़कियाँ हैं उनको देखना पड़ेगा कि जो जिस ख़ानदान में वो रिश्ता जोड़ रहे हैं उस ख़ानदान के मर्द अपनी औरतों को कितनी इज्जत देते हैं। क्या वो रोड पे खड़ी उनको जलील कर देते हैं? क्या वो अपने घर वालों के सामने उनकी बेइज्जतियां करते हैं? नॉर्मली औरत जो है ना, वो इन चीज़ों से नहीं समझ पाती कि वो उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। औरत लव को भी इग्नोर कर देती है, लेकिन केयर को कभी भी वो इग्नोर नहीं करती। जिस मर्द ने उसको केयर दे दी ना, जिस मर्द ने उसको इज्जत दे दी, औरत उस इज्जत और उस केयर को ऊपर ले जाएगी और जो लव था उसको नीचे ले आएगी। तो ये औरत की फितरत है। अगर उसके ख़ानदान में, जिस ख़ानदान में आप जा रहे हैं, सिर्फ पैसों को प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं, सिर्फ जो है वो अपने लोगों को प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं और आपके लोगों को पीछे किया जाता है, तो याद रखें कि आपकी बहन बेटी का भी यही हाल होने वाला है। सो कॉन्शियसली इन चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी है। अब एक चीज़ जो है ना, वो हम दोनों तरफ रिश्ता जोड़ने में ना गलती करते हैं, वो बड़ी बेसिक सी गलती है। वो गलती ये है कि हम दोनों जो हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी रजामंदी नहीं पूछते। उससे पूछते नहीं कि यार ये जिस बंदे से हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, क्या ये बंदा तुम्हें पसंद है? क्योंकि जो पसंद की बात है वो तो जिसने लव मैरिज करनी होती है वो माँ बाप से पूछते नहीं है। अब जो बेचारा शरीफ होता है वो पूछता है, तो माँ बाप अपने उसको देख के ना उसका रिश्ता उधर जोड़ देते हैं, गलत करते हैं। इस्लाम में भी हुक्म है कि आप अपनी बेटी हो या बेटा हो उससे एक बार पूछ लो कि यार ये लड़का ये लड़की तुम्हें पसंद है। अब आप लोग क्या करें, ये सारे क्वाइफ पहले खुद से क्लियर करें, फिर अपने पहले तो अपनी बेटी बेटे का सेल्फ एनालिसिस करें, फिर वो फैमिली में जिसमें जा रहे हैं और उसके एनालिसिस करें, दोनों को करें। और टू बी ऑनेस्ट होकर, नॉर्मली मैंने अभी कहा कि दोनों अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं और दोनों में से जो चीज़ मिस हो रही होती है वो चीज़ हो रही होती है जो दोनों ही नहीं दिखाना चाह रहे होते, लेकिन वो नज़र आ रही होती हैं वो चीज़ें, वो हमने देखनी होती हैं। तो हमने उन चीज़ों को देख के डिसीजंस करने हैं। इससे पहले जितने रिश्ते हुए ना, आप उन रिश्तों को देख लें, तलाक की रेशो बहुत बढ़ रही है पाकिस्तान में। चूंकि अकाउंटेबिलिटी का ऐसा कोई इतना जो है वो ग्राफिक्स नहीं है कि आपको कोई ग्राफ में ऐसा शो करवा सकूं, लेकिन लिटरली मेरी ऑब्जर्वेशन में, मेरे साथ इर्द गिर्द जुड़े हुए लोगों ने, मेरी रिसर्च टीम ने, बड़े लोगों को देखा है, बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, और तलाक की रेशो ज़्यादा हो रही है। तो आपने ये यही करना है कि जिस लड़की लड़के की शादी है उनको बताएं कि बेटे ये लड़की है, इस तरह की लड़की है। बेटर इज़ दिस कि आप दोनों एक दफ़ा सामने बैठो हिजाब में, एक दफ़ा पर्दे में बिठा के आप उनको पूछ लो, उनको अकेले छोड़ दो। ये नहीं कि जी आप उनको छोड़ दो, बाहर छोड़ दो, पार्कों में मिलना। एक तो ना आजकल मंगनियों का बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, मंगनी हो गई, अब दोनों एक दूसरे पे हलाल हो गए। और किसने कह दिया भाई, किसने कह दिया दोनों हराम ही हो जब तक निकाह नहीं होता? वो पार्कों में मिल रहे हैं, 2 साल मंगनी रही, सर वो 2 साल हमारी मंगनी थी, हम मिलते थे, चाट खाते थे, कभी चाट बनाते थे और कभी फिर गुच्छम गुच्छा हो जाते थे, और हराम कर दिया हमने, अब मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, अब वो लड़का जो है मुझसे निकाह नहीं कर रहा। तो पहली तो चीज़ ये, और मंगनी टूट गई और मंगनी तोड़ रहा है वो लड़का, अब क्या करूँ मैं? पहली तो चीज़ ये कि समझे, निकाह से पहले ये चीज़ें हराम है भाई। कौन से मज़हब को फॉलो कर रहे हो, किस चीज़ को फॉलो करो आप? आज का मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान रह गया, ये अपनी रियल और कोर वैल्यूज़ को भूल गया है। अब इसके बाद जो है ना, एक चीज़ जो बड़ी छोटी सी है लेकिन ये चीज़ बड़ी अहम है, सोशल एनालिसिस। कि इंसान का सोशल एनालिसिस होना चाहिए कि वो खुद कितना सोशल है। मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है कि वो मुझे कहती हैं कि सर मेरा दिल नहीं करता कि हमें हमारा शोहर जो है वो अपने दोस्तों के घर लेकर जाए, अपने दोस्तों से मिलवाए। और मुझे अक्सर लड़कों ने भी कहा है कि हमारा दिल नहीं करता जो हमारी बेगम की दोस्तें हैं वो हमारे घर में हैं, वो हमसे मिलें, क्योंकि उनका माहौल और हमारा माहौल और है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने दोस्तों की शादियों में जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने किसी उस तरह के रिलेटिव की शादी में जाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी फलां रिलेटिव से मिलूं, या मैं अपने बीवी को मिलने दूं, या मैं अपने शोहर को मिलने दूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो सोशल एनालिसिस दोनों तरफ से होना बड़ा ज़रूरी है। अब एक ग्राफ आपका है और एक ग्राफ आपने जिन लोगों से
रिश्ता जोड़ें उनका है। देखिए 100% तो दोनों की तरफ से नहीं हो पाएगा, सीधी बात है। आप सेल्फ एनालिसिस में भी अपना भी अपने आप को बेस्ट ही दिखाएंगे, और जिससे आप रिश्ता जोड़ रहे हैं उससे भी आप बेस्ट ही दिखाएंगे। लेकिन इनमें मोटी मोटी चीज़ें याद रखें कि एक दो चीज़ें हो ना, इन तो इंसान इग्नोर कर देता है। कुछ चीज़ें हैं जो दोनों तरफ से बड़ी ज़रूरी हैं, और वो चीज़ है दोनों तरफ से कोऑपरेटिव इंसान। इन सारी बातों में अगर फ़र्ज़ करें, ये सेल्फ एनालिसिस में 10 चीज़ें आती हैं, तो 10 चीज़ों में से अगर 5 चीज़ें भी उस बंदे के अंदर हैं, और ये 5 भी छोड़ दें, सबसे मेन चीज़ है उस बंदे के अंदर ना आपकी बात को समझने की सलाहियत है ना, तो आप 10 चीज़ें भी उसके अंदर डाल लेंगे। और अगर उस बंदे के अंदर आपकी बात को समझने की, उस तरह वैल्यू देने की सलाहियत नहीं है, तो आपके उस बंदे के अंदर 10 सलाहियतें भी होगी ना, वो आपकी एक बात नहीं समझ सकेगा। और नॉर्मली ज़िद्दी इंसान में ये चीज़ होती है कि वो अपनी ज़िद के आगे कुछ नहीं सीखता, वो अपनी ज़िद के आगे किसी को कुछ नहीं समझता। सो बेटर इज़ दिस कि इंसान ऐसा हो जो सीखने की सलाहियत रखता हो। और जब आप इतने किसी के बारे में चेक्स लगाएंगे ना, तो नॉर्मली आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रिश्ता ही मिलेगा। अगर सिर्फ आप खूबसूरती को देखेंगे तो फिर चांस है कि आपको खूबसूरत ही मिले, अच्छा रिश्ता ना मिले। और अगर आप सिर्फ पैसे वाले को देखेंगे तो फिर तो बहुत चांस है कि आपको सिर्फ पैसे वाला मिले, अच्छा लाइफ पार्टनर ना मिले। तो कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से होगा। अगर आप इन चेक्स को देखते हैं, नॉर्मली मैंने बहुत से लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट किया है और उनकी लाइफ बड़ी अच्छी गुजर रही है। इंशाल्लाह हम लोग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं कि जहाँ हम आपको आपकी मर्ज़ी के रिश्ते प्रोवाइड कर सकें, और उस पर हमारी टीम अभी काम कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो चीज़ नहीं हो पाएगी, बट इंशाल्लाह लेटर ऑन होगी। क्योंकि मेरा ये है कि यार हर इंसान खुशी की ज़िंदगी जिए, और सिर्फ दुखों को इनको ज़रा थोड़ा साइड पे करे। ज़िंदगी इंजॉय के लिए अल्लाह ताला ने दी है, हलाल हराम की तमीज़ के लिए दी है। आप हराम की तरफ क्यों जाएं, हलाल में ही रह के हलाल की तरफ रहें, और हलाल में रह के हलाल में ज़िंदगी गुजारें, उसी में इंजॉय करें। किसने कह दिया हलाल में रह के इंजॉय नहीं हो सकता? अगर यही बात थी तो अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह के जो नेक वली हैं, वो कैसे हलाल पे ज़िंदगी गुजारते हैं? वो कैसे सिर्फ हलाल को फॉलो करते हैं, हराम की तरफ नहीं जाते? तो लिटरली लाइफ ईजी है, हमने बहुत मुश्किल बना दिया है। तो आई होप सो कि अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं, इन पे काम करते हैं, तो आपका जो माइंडसेट का आपका जो पार्टनर है वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। मेरी तो यही अल्लाह ताला से दुआ है, और सबसे रिक्वेस्ट है कि यार आप भी दुआ करो कि अल्लाह ताला हर शादीशुदा कपल को हमेशा खुश रखे, हमेशा खुश रखे। दोनों की ज़िंदगी ऐसे हर दिन उनका जो है ना वो गुड डे हो, कभी भी दोनों में कोई तकलीफ दुख लड़ाई झगड़े ये ना हो। अब ऑब्वियसली ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इतने हो कि वक्ती तौर पे रिजॉल्व हो जाए, कोई बहुत बड़े ना हो। तो बाकी वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे तो मम्मी याद रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।